अपराजिता ऋषभ पर वार करके अपने नए ब्रह्म राक्षस के अवतार को छुपा लेती हैं और रहना शुरू करती है नए राक्षस को ढूंढना। सीरियल ब्रह्म राक्षस के आने वाले एपिसोड में आने वाला है ड्रामेटिक ट्विस्ट, क्योंकि ऋषभ बन जाएंगे नए ब्रह्म राक्षस अपराजिता का शिकार। ऋषभ को बहुत चोट आएगी जब अपराजिता उस पर ब्रह्म राक्षस के अवतार में वार करेंगी, लेकिन इस बार ऋषभ के साथ साथ उनका छोटा भाई भी ब्रह्म राक्षस से मार खाएगा, उसको भी बहुत चोट आई हुई है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो इंसान बिल्कुल टूट जाएगा वो है रैना। रैना ये सब देखकर एकदम से बिखर जाएंगी, वो ऋषभ की हालत देखकर अपने आप को रोक नहीं पाएंगी। ऋषभ अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और वो पूरी कोशिश करेंगी ऋषभ को बचाने की। रैना खुद हैरान है कि ये कौन सी नई शक्ति आ गई है जिसने ऋषभ को इतनी चोट पहुंचाई है। रैना सोचती है कि ब्रह्म राक्षस तो मर गया है, तो फिर ये कौन है जिसने ऋषभ की ये हालत की। रैना को ये नहीं पता है कि अपराजिता ब्रह्म राक्षस में बदल गई है और ये सब उसने ही किया है। अपराजिता बहुत ही चालाकी से अपने नए अवतार को सबसे छुपा कर रख रही है और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ है। अपराजिता ऋषभ से हॉस्पिटल मिलने भी आती है, लेकिन सडनली उसे लगता है कि उसकी ब्रह्म राक्षस की शक्ति उसको ओवर पावर कर रही है, तो वो वहाँ से तुरंत निकल जाती है जिससे उसकी सच्चाई किसी को पता ना चल पाए। अब क्या रैना को पता चल पाएगा कि अपराजिता ही है वो नई ब्रह्म राक्षस जिसने ऋषभ की ये हालत की है। ये सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।